अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे हमारे मुल्क में हवा चलती है, बिल्कुल झूठ भी उसी तरह चलता है। कुछ जुमले तो ऐसे बोले जाते हैं जिनको सुनते ही आप समझ जाते हैं कि काम नहीं होगा। मसलन अगर कोई आपसे यह कहे कि कोई मसला नहीं जी, आपका काम हो जाएगा, तो समझ जाइए कि यही मसला है। कोई आपसे अगर ये कहे कि समझें आपका काम हो गया, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल, तो समझ जाइए कि वो दोनों हाथों से भी आपका काम नहीं कर सकता। जो बात मेरी समझ में नहीं आती वो ये है, हम झूठी तसल्लियाँ क्यों देते हैं, हम लारे क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप ये सोचिए कि जिसने काम करवाना है वो जहन में क्या क्या कुछ सोच के बैठ जाएगा, और जब उसका काम नहीं होगा तो उसका वो एतमाद, वो यकीन कितने बुरे तरीके से बर्बाद हो। कब तक चलती रहेंगी ये झूठी तसल्लियाँ? जवाब दो हानी अलबेला। ये कब तक होता रहेगा हानी भैया? भाईजान ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि ये एक लामहदूद सिलसिला है, क्योंकि हम सच को फेस कर नहीं सकते। उस भी जी अगर हम किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह देंगे भाई नहीं हो सकता तुम्हारा काम, तो क्या नुकसान होगा? सर पता नहीं ये लोगों की आदत होती है, हमारे मोहल्ले में भी एक है बंदा, वो चौक पे खड़े खड़े बंदे को नौकरी भी दिलवा देता है और रिटायरमेंट भी करा देता है। सबसे बड़ा कौमी झूठ क्या है क्या? यार मोबाइल साइलेंट पे था। एक ऐसी चीज जो 24 घंटे हाथ में रहती है, हम यूं नंबर देखते हैं और नहीं उठाते, और बच्चों को ही घर में बुलवाते हैं, जाओ बेटे तो घर पे, वो सामने वो आएंगे अंकल, उनको कहते हैं मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा जाओ, बच्चा झूठ यहाँ से शुरू किया और बच्चा अब वो घर पे नहीं है। हमारे बच्चा सच्चा होता है, वो कह रहा पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये भी होता है। सामिया जी आते हैं लोग इस नॉलेज के बारे में जानने के लिए, और वो चाह रहे होते हैं कि हमें कोई झूठी बात बताई जाए जिससे हम खुश जाएं यहाँ से वापस। ऐसा होता है? बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन ये दो बिल्कुल एक अलग चीजें हैं। झूठ बोलना मैं ये लारा देना नहीं कहती, लेकिन उम्मीद देना एक अलग चीज होती है। अब मुझे अल्लाह पाक ने ये नहीं बताया शादी किधर ना लोनी है, मैं ये बता सकती हूँ कि ये टाइम फ्रेम है, इसमें अल्लाह पाक ने कर्म कर देना है, आप अपनी कोशिश बढ़ा दीजिए। नहीं, आप बता सकती हैं कि होगी किससे, उसका नाम किससे शुरू होता है। मैंने कहा अल्लाह ने बड़ा महदूद सा एक इल्म देके भेजा है, ना मुझे गुनाहगार करे ना मुझे शिर्क के जुमरे में लेके जाए। आप कभी आपसे किसी ने झूठ बोला कि बहुत प्यारी लग रही है? पायलट ने बोला होगा, आज ही बोला, आज आप ही ने बोला। बुलाते हैं आज के बड़े प्यारे मेहमान हैं मेरे, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जितना बड़ा उनका नाम माशाल्लाह नाम है उतने ही बड़े इंसान भी हैं वो। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और नाइमा भट्ट साहिबा जी। सर पहले आप थैंक यू इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। थैंक यू नईमा भट्ट साहिबा, आई नो यू आर वेरी बिजी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन जी सरकार जी। थैंक यू सर, हमें बड़ी खुशी हो रही है, और आज इसलिए खुशी हो रही है कि इनसे भी मुलाकात होगी, है ना। ये तलाश गुमशुदा जो दो लोग हैं ना, ये एक वो बरकत भाई और एक ये। नहीं सर, हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपसे मुलाकात हुई है, हमारे लिए तो उस्ताद हैं और ये बहुत बड़ा बैनर है। हाँ। और मैं उसमें तो इनके सामने एक छोटे से पोस्टर है। अरे अल्लाह, और अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे। एक शेर है सर आपकी पर्सनैलिटी के लिए, जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं और जब चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। दही कटने वाली पत्री का की ना है। बरकत ये है। और हानी भैया से तो आपकी मुलाकात है। हानी भाई तो मैं इतने से जानता हूँ। अच्छा, हम अगर यहीं से शुरू करें, अलबेला साहब के साथ आपने डेफिनेटली काम किया, बड़ा काम किया। जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त अलबेला साहब पहले से काम कर रहे थे? डेफिनेटली अलबेला साहब का तूती बोलता था सर। अमानुल्लाह खान साहब की और अलबेला साहब की एंट्री होती थी, तो मैंने देखा हुआ सर 7-7, 8-8 मिनट की स्टैंडिंग क्लैप ऐसे कर करके उनको बिठाया, और फिर ड्रामा शुरू हुआ या उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। अरे वाह वाह। और इतने बड़े लोगों में अपनी इतनी सी जगह बनाना मुश्किल लगा? नहीं सर, उसमें ना अमानुल्लाह खान साहब और सुहेल अहमद साहब, इनको खुदा ने उतारा जमीन पे इसलिए था कि अगर कोई कमजोर, कोई हल्का, कोई फुल्का, कोई माड़ा को बंदा है ना जी, तो उसका बाजू पकड़ कर ऐसे खड़ा करके कह देना ओए वादे पाजी। क्या बात, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आपने सही अरूज देखा है साफ सुथरे थिएटर का, तो ये गलत बात नहीं है?
जी मैंने पूरा अरूज देखा है। जब थिएटर जो था, थिएटर की पोजीशन ये थी कि फैमिलियां बाहर से वापस चली जाया करती थी कि भाई टिकट नहीं है। कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है थिएटर का? अच्छा सर, ये तब हुआ जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंडर से इसको निकाल कर होम मिनिस्ट्री और DCO ऑफिस को दिया गया। ये एक कल्चर का महकमा था और वहाँ जो लोग इसको संभाल रहे हैं वो एग्रीकल्चर पढ़े हुए राइट बंदा राइट प्लेस पे नहीं है सर। नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, क्योंकि अब तो एक इतनी रेवोल्यूशन सी आई है, फिर खेस पा रही है सर। क्यों उन्होंने ले आया है अपना नाल लेके आए? अच्छा, खेस भाई जोड़ा सवाल है। नहीं, बिकॉज मैं ये सारी बातें उनके सामने इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने भी थिएटर पढ़ा है और उन्होंने अमेरिका में थिएटर पढ़ा है और अमेरिका में थिएटर कर भी रही है, इसलिए मैं उधर जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। थिएटर के हवाले से तो सीधे अमेरिका ही जाएंगे। मैं बीच में नहीं कहीं रुकता। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि रिवाइवल होगा, दोबारा फैमिलीज जाएंगी थिएटर की तरफ? मैंने तो जिंदगी में देखा कोई भी चीज जो है ना, वो अगर यूं हुई है ना जी, तो यूं भी हुई है, वो वापस यूं जरूर हुई है। टाइम कंज्यूमिंग है। जी जी जी, टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, लेकिन एक एक इनकलाब ये आया कि थिएटर सारा टेलीविजन में शिफ्ट हो गया। हाँ, ये जरूर हुआ सर। नाइमा जी, यू बीन डूइंग थिएटर इन अमेरिका, थोड़ा सा बताएं, पढ़ा भी वहीं से आपने थिएटर और फिर यहाँ का थिएटर भी आपको पता है, तो क्या फर्क है दोनों में? मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, पंजाब लोक राहस के साथ। अच्छा। हम स्ट्रीट थिएटर करते होते थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। We used to go out. उससे पहले कॉलेज में आई used to do, you know, acting in tableaux और वो सारा कुछ। बट इंस्पिरेशन यहीं से मुझे आई थी, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक ना सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं बल्कि वाकई ग्राउंड लेवल पे चेंज ला सकते हैं, बिकॉज वी यूज टू इन्वॉल्व द ऑडियंस इन टू अ प्ले। You know, so it's very empowering. तो इस तरह फिर आपने वो थिएटर करना शुरू किया? जी, एंड आई गॉट अ स्कॉलरशिप एज अ कल्चरल एम्बेसडर पाकिस्तान की तरफ से। आई वेंट टू US, वहाँ पे भी मैंने थिएटर पढ़ा बाकायदगी से। जो मैं जो पढ़ाया जाता है और जो किया जाता है उसमें कितना फर्क है? डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप है। अब थिएटर भी बहुत वैस्ट है, वो इट्स नॉट लाइक ए, जैसे जो मैं करती हूँ वो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड है। यू नो, यू प्ले विद द इमेजेस। सो आई ऑल्सो वर्क विद विक्टिम ऑफ अब्यूज। अच्छा। उनकी ड्रामा थेरेपी, एक्टिंग से उनका ट्रॉमा जो है वो हील कैसे किया जाता है। अच्छा, ओके ओके ओके। आप तीनों को बाद में मैं इनकी बातें समझाऊंगा। और UNO के साथ भी आप एसोसिएट रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर काम करने की वजह से ही उन्होंने इनवाइट किया यूनाइटेड नेशंस में मुझे एज अ स्पीकर वंस। फिर उनकी UN वुमेन की जो जेंडर इक्वालिटी की टीम है उसका मैं मेंबर बन गई, यूथ यूथ फॉर जेंडर। इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा भट्ट साहब हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं जी सरकार में। ठाकुर साहब, आपने बात पे गौर किया है, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा फर्क रहा है इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का थिएटर और जो कमर्शियल थिएटर मुख्तलिफ थिएटर्स अलग अलग हैं। ये क्यों फ़र्क रहा है, ये आपस में ब्लेंड क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह सर ये रही कि जो कमर्शियल थिएटर में लोग हैं ना जी, उसमें आई थिंक सो 80-85% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे यहाँ कोई बंदा नाकारा हो ना तो उसने कहते बाहर भेज दो। तो ऐसे ही ये भी है कि भाई ये पढ़ता नहीं है, ये थिएटर फिल्म च भेज दो। पूरी दुनिया में ये है कि जो थिएटर के ऊपर लोग आते हैं फिल्म के अंदर वो पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। आपकी जिंदगी का भी स्टार्ट एक नीचे से ऊपर, आपका भी ग्रेजुअली इसी तरह आया है ग्राफ, थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? मैंने ना ये इस्लामाबाद से शुरू किया थिएटर। मेरे दोस्त थे असलम राणा साहब, उनका ताल्लुक था ZA जुल्फी साहब से, आना जाना था, तो उनके साथ मैं एक दफ़ा गया था। तो उन्होंने मुझे रिहर्सल दिखाई, रिहर्सल के बाद उन्होंने मुझसे ही पूछा कि कैसा लगा ड्रामा आपको। मैंने कहा ड्रामा तो ठीक है, लेकिन इसमें वो करेक्टर तो है ही नहीं जो पब्लिक को बिठाए रखता है। कहानी है, यह तो सीधी सीधी आप सुना रहे हैं। तो कॉमेडी आपकी अपनी चॉइस है? जी सर, जी सर। वो आपने अपनी जिसामत को मद्देनजर रखते हुए अडॉप्ट की या लोगों ने कहा कि नहीं तू ऐ ही कर? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मुझे ना मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद हैं। हाँ।
या मेरा बॉडी मैनरिज्म शायद ऐसा था कि मैं कहीं अगर कॉमेडी ना भी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे काम किया, इलेक्ट्रिशियन का काम किया, टायर पंचर का काम किया, तो वो कस्टमर जो मेरे थे ना जी, वो मुस्कुराते हुए मुझे नजर आते थे। अच्छा, जैसे एक छोटी सी मिसाल है, मेरे ना दो मशीनें लगी हुई टायर पंचर की, इधर जो था वो बंदा गूंगा था, तो आपस में हम बातें तो करते थे ना, तो 70% कस्टमर ये समझते थे ये दोनों ही गूंगे हैं। अच्छा, वाह, जी सर जी सर। जैसे एक बंदा आया, उसने मुझे आके कहा, उन्होंने कहा बाय बाय, तो मुझे समझ आ गई, पूछ रहा है कि मेरा टायर किधर है। वो चाक के साथ नाम नंबर लिखे होते टायरों के ऊपर, नंबर प्लेट थे। मैंने टायर उठाया, उसकी तरफ चला, तो उसने कहा नो भी बदल के दे। वो मैंने बदल के दिया उसे। फिर उसने कहा भी डिग्गी में रखो, मैंने रख दिया। तो जब मैंने रखा, डिग्गी बंद की, तो मैंने कहा मैं कहा 40 रुपए दे दो, तो डर गया वो, एकदम पीछे हो गया। उन्होंने कहा तू बोलना है। वो मैं कह सर वो गूंगा, मैं तो नहीं है। तो वो अक्सर वो गूंगे। अच्छा ठाकुर सर, कभी पुलिस वालों ने आपको रोका? कभी कोई ऐसा वाकया, कोई मजेदार? ये जो कैरेक्टर है ना, शायद मेरा, क्योंकि आप खुद पुलिस का करते हैं, कैरेक्टर इतना जबरदस्त, वो मेरे दिमाग में घुस गया था। वो एक दफा मैं इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में जो बॉर्डर है वहां से मैं गुजर रहा था, तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कितों आ रहे हो? मैं कह जी ड्रामा करके। कम के कर दे हो? मैं कह जी आर्टिस्ट हूँ। अबे दा के ना ही? मैं कह जी मोहम्मद अली। के काम करदा? मैं कह जी फौजी। केड़ी फौजी चुंदे? मैं कह जी एक ही फौज है। कहंदा जेड़े लिखे होंगे नेवी एयरफोर्स, ये के चक्कर है? मैं कह सर फौज मुख्तलिफ होंगी, उहदे च कोई एक होंगी, पिछे होके बह जा। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी गुजरी, तो उसने वायरलेस से बोला, कहता भाई गड्डी मोड़ के पीछे आवे, एक मुजरम पकड़ा, तो इसने जरा नाल ले जाओ। उई तोते उड़ गए, कोई समझ में ना आए भी क्या करूं। जब उसने दरवाज़ा बंद किया, तो ड्राइवर ने कहता है अपना सिरोज सिनेमा नहीं, उसके नाल पीछे मार्केट, तकवा मार्केट, उत्थे इन्होंने छड़ देना, उत्थे इन्हों का घर है। मैंने पूछे मुड़ के वेख्या, मैं क्या तू मैंने जानते हो? कहता वो मेरा गवाढ़ी है, तू सामने वाला घर मेरा। लेकिन सर पूरी दुनिया में इतना फ्लेक्सिबल पुलिस वाला मैंने नहीं देखा, जो पेट पीछे कम, जो पीछे भी यूं चला जाता है और आगे भी चला जाता है, कि तुसी विचो टूट जाओगे। सर ये इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है आपकी बॉडी, कैसे, क्या राज है इसका? नहीं एक्चुअली मैं ना जी बहुत डीप स्विमर हूँ। ओ, ओ, तो कभी डीप में कोई मिला ठाकुर साहब इधर किधर? तो कितना डीप करते हैं आप? मैं सर बिल्कुल फर्श के साथ चलता हूँ। अल्लाह जमीन छू। आपको एक मजे की बात बताऊं, सरकार के लिए पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं वो सब फ्री हैं। ना है, वो फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, खाना भी खिलाते हैं सरकार। ये तो आप वैसे कितना टाइम स्विमिंग करते हैं? वैसे 2-3 सेकंड? नहीं नहीं अच्छा बहुत ज्यादा भी है ना, 1 घंटे से ज्यादा करने भी नहीं चाहिए। अमानुल्लाह खान साहब, ओहो, वो बड़े मास्टर थे इसके, मतलब कॉमेडियन बनने के लिए स्विमिंग जरूरी है इसका मतलब। जी फातिमा क्या पूछना चाहेंगे? इफ्तिखार साहब, जैसे इंडिया ने हमारे फनकारों को बैन किया हुआ है, हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके अब काम नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का आपसे ये सवाल है कि आप तो इसके बिल्कुल ओपोजिट चल रहे हैं, आप तो अब इंडियन मूवीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी मूवीज को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? कर लें सर। अच्छा बात ये है कि मैंने पूरे 10 साल कोशिश की पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाने की। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल कहें, सही बात बताऊं? हाँ हाँ। अच्छा मैं सही बात आपको बताऊं? जी जी। मैंने जिस शायर को कहा गाना लिखने के लिए, उसने गंदा लिखा। मैंने जिस स्टोरी राइटर को दी कहानी, उसने कंजरी बदमाश और पुलिस पे लिखी। आए है। कोई भी तफरी जो होती है, वो अगर आप अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ और अपनी बहन के साथ, अपने अबू के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख सकते, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई गंद है। बहुत अच्छा, ठीक है ना सर। जब मैं वो पंजाबी फिल्म देखता था इंडिया की जी, मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते थे, फिर मेरे मजबूरन उनके साथ एक राबता मेरा हो गया। सही। फिर उनके साथ बैठ के वो सारी कहानी लिखी और वो फिल्म जो है वो 29 करोड़ रुपए की फिल्म बनी। पाकिस्तान में वो तो ना लग सकी, उसकी भी कई वजूहत थी, लेकिन पूरी दुनिया में 12,460 स्क्रीनों पे वो लगी। अरे वाह। और 125 करोड़ रुपए वो लेकर आई। तो सर वैसे भी मकसद इंडिया या पंजाबी या इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, मकसद है फैमिली फिल्म, फैमिली तफरी।
सर हमारी जो बेटियां घरों के अंदर, हमारी बहनें जो घरों के अंदर हैं, उनके पास तो तफरी है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। वो तो बर्तन दो, कपड़े दो, खावन दो, खावन दो, कुछ नहीं ना सर। अब अगर हमारी बेटियों और बहनों के पास घर के अंदर फैमिली के पास तफरी नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। हस्बैंड बाहर से आया वो भी चिड़चिड़ा है क्योंकि काम करके आया है, आगे अगर बीवी बहन और बेटी भी चिड़चिड़ी है तो घर के अंदर माहौल खराब हो जाएगा ना सर। आप अगर उनकी पंजाब की फैमिली की फिल्में देखें तो वो बहुत 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 मजेदार टॉपिक है। जी सर, जी सर, ऐसे ही है। जी सर, जी। इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा भट्ट साहिबा हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं जी सरकार में। ठाकुर साहब, सारी दुनिया को मजाक करते हैं आप जी, सारी दुनिया के आपके जहन में कोई ना कोई चीज चल, ये अल्लाह की तरफ से काम है। मुझे ये बात बताएं, जब कोई आपको कर रहा होता है बात तो कैसा महसूस हो रहा होता है? ये जो कानून है ना, जिस कानून के ऊपर थिएटर है, वो फिजिक्स का कानून है। एक्शन इज इक्वल टू री एक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। जब तक आपको जुगत होगी नहीं, आप करेंगे कैसे? वाह 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 वाह। अच्छा ठाकुर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये नाक जो है आपकी माशाल्लाह, इसका कभी आपने नाजायज फायदा उठाया? नहीं, उसका जायज फायदा उठाता हूँ। नहाने जाता हूँ, कील ना हो तो इधर ही कपड़े टांग के। कभी आपने एक टांग पे खड़े होके इस तरह मछली पकड़ी हो? हाँ, कभी ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन सोचता हूँ। सर, बॉलीवुड में वहाँ के कॉमेडियंस को पिलर समझा जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के कॉमेडियंस को फिलर समझा जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज ट्रू, मेरा ख्याल है फिलर वाली बात अच्छी है। अच्छा कैसे सर, डिफाइन करें प्लीज। ये फिल करेंगे उस पोर्शन को जिसमें ऑडियंस को रिलीफ मिलनी चाहिए। वाह वाह वाह, जैसे धूप किनारे ड्रामा चलता था तन्हाई। देखो कॉमेडियन तो रिलीफ देता है, तो इससे तो बढ़िया चीज ही कोई नहीं है। yes. तकलीफ देने से रिलीफ देना ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर। वेरी गुड, ये बात इसको मैं क्लैप करूंगा, बहुत बेहतर। शायरी से भी लगाव है आपको, कोई शेर हो जाए, कोई तंज मिजावत जो आप करते हैं? अच्छा नहीं, वो तो नहीं मुझे याद रहते, वो तो उसी वक्त जो हो रहे होते हैं हो रहे होते हैं। लेकिन शेर कई ना ऐसे होते हैं जो दिमाग में फंस जाते हैं। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश। भाई वाह वाह वाह। चाहता जिसे टूट कर, दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। अपना शेर कहना ना तो क्यों देता? नेमा जी, अमेरिका में यू आर डूइंग वेब एज वेल, वेब के लिए भी काम कर रही हैं। क्या बनाया है अब तक? 3 शॉर्ट फिल्म्स। What right. else? Have you acted in it as well, जी? Yes. अच्छा, टैबूज के हवाले से भी आप काफी कुछ बोलती हैं। आपने क्या उन्हीं टैबूज से लेके वो कहानियाँ डेवलप की हैं? जी, कुछ ऐसे जो मेजर हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, कलरिज्म के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को वाइट कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद है। तो जो स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक लड़की जो है वो गोरा होने के लिए कैसे स्ट्रगल करती रही, और वो अमेरिका जाती है फिल्म पढ़ने के लिए, और वहाँ पे उसको उसकी क्लास फेलो मिलती है जो कि टैन कॉम्प्लेक्शन चाह रही है, एंड पाकिस्तानी गर्ल इज इन स्ट्रगल कि ये क्या हो रहा है। और गोरे अक्सर बीचेस पे आपको दिखाई देते हैं टैन होते हुए, और हम दिखाई देते हैं इंजेक्शन लगा के गोरे होते हुए। ये अजीब सी एक, जैसे बता रही हैं अभी नेमा जी कि देयर इज दिस स्टिग्मा अटैच कर दिया गया एक टैन कॉम्प्लेक्शन से। तो इन इंडस्ट्री वेयर गोरी चिट्टी गर्ल्स अराउंड यू, यू नो द गर्ल नेक्स्ट डोर गर्ल्स, और वहाँ पे लड़कियों ने बहुत सारी सोशल मीडिया पे कमेंट किए हुए थे इनकी प्रोफाइल पे कि आपने कैसे अपनी जगह बनाई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको लेके आपको मुश्किलात का सामना रहा है बिकॉज ऑफ योर टैन कॉम्प्लेक्शन। तो इस हवाले से हमें बताइएगा थोड़ा। जब मैं थिएटर से ड्रामा में आई, पहले मैं सोप कर रही थी, उधर से मेरी फिर सिलेक्शन हुई अहदे वफा में, और अहदे वफा से काफ़ी लोगों को वो कैरेक्टर गजाला का पसंद आया। हाँ। और आर्टिकल लिखा गया कि गोरी चिट्टियां लड़कियों के अलावा एक गंदमी रंग की लड़की को रखा गया, और वो अपने एक्टिंग की वजह से लोगों को पसंद आ रही है। सो आई वॉज़ वेरी शॉक कि देखें
बकायदा इस चीज को मेंशन भी किया जा रहा है. ये एक शॉकिंग बात है कि मेंशन भी क्यों किया जा रहा है. बट सो इट्स लाइक यस, मुझे याद है कि कुछ ही दिनों बाद सेट पे डिस्कशन होती थी और सुनने में यही आता था हर किसी ने व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाया हुआ है और अगर लीड रोल लेना है तो फिर व्हाइटनिंग इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा. साइड पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप लीड पे आए तो छोड़े, एक्टिंग शेक्टिंग पड़ी हुई है, डजंट इवन मैटर, ये कौन पूछता है. हाँ, अब तो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग उसकी शुरू हो जाती है. कॉमेडी बड़ी मुश्किल हो गई है सरकार. अब आप किसी की रंगत के ऊपर जुगत मार दें टेलीविजन के ऊपर तो सोशल मीडिया में उसको उछाला जाता है, किसी की वजाहत के ऊपर मार दें तो उछाला जाता है. तो एक वक्त के साथ साथ कॉमेडी मुश्किल नहीं होगी करनी, लेकिन सर ऐसा करना भी नहीं चाहिए. सोशल नहीं, लेकिन जुगत क्या है, जुगत यही है ना कि तेरा चिट्ठी चिंगम वर्गा मुंह है. इसमें भी जुगता माई दी की तेरा ठंडी ठंडी स्त्री वर्गा मुंह. मेरा मतलब उसी उसी अमान साहब अल्लाह बख्शे और मैं अक्सर ये कहता हूँ. अच्छा, सिर्फ मैंने जुगता करने वास्ते सवाल किया. नहीं तो सर, अब तो आप किसी की जसामत या किसी की रह गया. नहीं, आप यकीन कीजिए इस बात कि मैं आपको नहीं कह रहा. नहीं, कॉमेडी सर है ही ऑब्जर्वेशन. लेकिन ऑब्जर्वेशन अब सोशल मीडिया के आने के बाद लोग पकड़ते हैं ऐसी बातें और फिर ट्रोलिंग करनी शुरू कर देते हैं उसकी. सर उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है बस. वो इसलिए लिखते रहते हैं और ना उनके लिखने से कोई फर्क पड़ता है और ना उनके ना लिखने से कोई फर्क पड़ता है. कॉमेडी जो है वो होती रहेगी. अगर कॉमेडी नहीं होगी तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे. मैंने अक्सर देखा लोग अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते नहीं है. मेरे बच्चे मैंने जुगता करते नहीं मानना. कौन सी ऐसी जुगत है जो बच्चों की आपने बड़ी इंजॉय की हो? एक बारी बच्ची जड़ी है ना, सब तो छोटी जड़ी है, उन्हें मैंने कहा बादाम बादाम हूं तोड़ रही बैठी वट्टे दे नाल ना, वट्टे दे उत्ते वटा रख के ही करके मारे. मैं कोल बैठा, मैं कहो ये इस तरह अगर गलत निशाना लगा ना तो ये लग भी सकता है आंख में, ये बादाम स्लिप करके. बादाम स्लिप कर दे. कहते फिर दो अपनी थौड़ी अर्गा सब तो छोटी यानी उन्हें कभी गल भी नहीं की. नहीं तो उसको ये कैसे अंदाजा हुआ कि आपकी मुशाबत उसी फिर माना लग रहे. हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में आके वो पैगाम सुनाए और यहाँ से वो वहाँ पहुँचे जहाँ उस पैगाम को पहुँचना चाहिए. वेरी गुड. अगर आपकी इजाज़त हो तो कहना सर, कौन सर, है प्लीज बुलाइए. बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब सोनी साहब को. डाकी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ओ क्या हाल है हुजूर. एवं सरकार. सरकार किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज जो पैगाम है वो एक ऐसे बंदे का पैगाम है जिसके बच्चे बहुत ज्यादा हैं. सरकार वो कहता है जी के सब नु एहो ही गल ना पच्चे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे ते लोकां नु मैं दसा की रोवा की ते हसा की आना भाईया तुसी ओ सच्चे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे इन्ने बच्चे ते व्याह ते कोई बुलांदा नहीं, बस वाला भी बौंदा नहीं, ना ही नेड़े लगदे रक्षे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे इन्ने बच्चे ते यार कांदा की तू चाहना घर बनाया ही पोत खाना. ते अन्न करीब तू बेचने लच्छे. ते हर कोई आंदा इन्ने बच्चे ते रोज मैं खुला लंगर पकाना. जंज जिन्नी रोटी खवाना अपने लिए भावे बुरकी ना बच्चे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे ते मंगाई दा की मैं नगमा गावा मोड़ मोड़ पैंपर धो धो लावा नाले तार ते पावा कच्छे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे ते बच्चियां दी माशाला इन्नी तदाद. ना नहीं रेंदे सब दे याद ते बुल थक जांदे चुम चुम मत्थे. हर कोई आंदा इन्ने बच्चे ते कहंदा मेरा सब ने एहो ही कहण औलाद कमले ओ रब दी देण ते मैनू कोई ना होने पुछे. भाजी थोड़े किन्ने ने बच्चे? बहुत सारी तालियां जी. इफ्तिखार ठाकुर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन. नईमा भट्ट साहब हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं.
एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में इफ्तिखार ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नईमा भट्ट साहिबा। एक पहलू ठाकुर साहब का जिसके ऊपर मैं यकीनन बात करना चाहूँगा, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए आपने बड़ा काम किया जी सर, और अब माशाल्लाह तो लंबे के पास अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपने थिएटर भी छोड़ दिया जी सर। ये चीज़ कब अंदर डेवलप हुई है, खान साहब ने वेख के इंस्पायर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं ना जी इंडिया की कौंसलेट में गया था तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पर जो लोग जिगर के मरीज हैं उनको इतनी तकलीफ देते हैं सर वो, चूंकि इंडिया में इसका जिगर का ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं होता सर, तो फिर ये सोच अंदर डेवलप हुई? ज़ाहिर है फिर मुझे तकलीफ बहुत हुई कि यार इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, ये हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक लफ्ज़ बड़ा तकलीफ दे है सर हमारे एरिए में, इन लाहौर ले जो, क्यों लाहौर ले जो? तो हमने एक जगह ढूंढी है सर जहाँ पर पूरे पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, कोई भी चलेगा ना जी तो ठीक एक से सवा डेढ़ घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। वाह 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 वाह। और किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि इसको लाहौर ले जाओ। माशाल्लाह। वो 26 कनाल जगह है जी, वो हमने वो किसी ने डोनेट किया, हमने को उसे जाके सिर्फ ये कहा कि ये ऐसी जगह बन सकती है। उसके बाद ना जी मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ लोग हैं यार उनसे बचना, वो आपको हॉस्पिटल बनने नहीं देंगे। और हमने जब उसका बुनियाद रखी ना सर, तो मैंने देखा सर गाड़ियों में उतरे वो सफ़ेद लाचे और सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद पगड़, और जो आगे बंदा आ रहा था उसके हाथ में ना जी बैत की स्टिक थी। अब वो आए तो उन्होंने कहा ठाकुर साहब सलाम अलैकुम, की बनाने लगे हो? मैं कहा जी हॉस्पिटल बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा जी ए लो फड़ो सोटी, इधर मेरिया जमीन है ने, ए पिछे जड़ी है ने, ए भाई यासिन दियाँ है ने, इधर भाई है डोगर साहब दियाँ है ने, ए सोटी फड़ के तो लैन वाह लो जिनी चाहिए। वाह 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 आपकी नियत थी ना सर, अल्लाह थोड़ी याती करे, बड़ी मेहरबानी, हमारे पास जगह पूरी है। मैं थोड़ी हेल्प ये करिएगा कि मैं चूंकि लाहौर में होता हूँ, कभी आ पाता हूँ कभी नहीं आ पाता। उन्होंने कहा सर कितने लोग काम करेंगे यहाँ पे? मैंने कहा 100 से 150 लोग होगा। उन्होंने कहा फिर हमें ये तो आप बख्शें कि उन 100 से 150 बंदों का जो है खाने का बंदोबस्त कर दिया कर। वाह वाह। तो उन्होंने कहा जी कि जितने लोग यहाँ काम करेंगे उनके लिए खाने का बंदोबस्त हमारे पास होगा। अरे माशाल्लाह। जी सामिया जी बताइए, नईमा भट्ट साहिबा के हवाले से साथ साथ उनसे बात भी हो जाएगी। इनका जो कॉम्बिनेशन है इनके सितारों का, जिस पे मैंने कहना चाहूँगी कि एक चीज़ को ज़िंदगी से माइनस करना पड़ेगा तो ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर लेंगे जिसकी इनको डिज़ायर है, क्योंकि बहुत ओवर एम्बिशियस हैं। मैंने ये मशवरा देना चाहूँगी, तवक्कुआत लेस कर दें, और आपका मिजाज अगर प्यार करना है आप प्यार करें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर दें, फिर ज़िंदगी में इनकी उड़ारी, इनका सफ़र, इनकी परवाज नहीं रुक सकती। क्यों नहीं जी? द मोर यू एक्सपेक्ट द मोर यू गेट हर्ट एक्चुअली। तो इज शी राइट? 100% एतबार कर लेती हैं बहुत जल्द? हाँ, एतबार से ज़्यादा आई थिंक अटैचमेंट हो जाती है। अब उसको भी सीख रही हूँ कि बेसिकली अटैचमेंट क्या है। आगे क्या देखती हैं सामिया जी, थोड़ा सा बताएं। करियर हाउस बहुत अच्छा है नुमान सर। अच्छा। पैसा बहुत कमा सकती हैं, सिर्फ ये मेरी एक नसीहत पे अमल कर लें कि पॉजिटिव रहें, और शुक्र है इन्होंने खुद भी अपनी, मुझे लगता है खासी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग भी की है। मैं अक्सर कहता होता हूँ चीज़ों को समझिए, परखिए, देखिए, टेक योर टाइम एंड देन टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। जी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। जी मुझे जो आज इंकशाफ हुआ, जो मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल नुमान सर आप वाला कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुआ है। आप दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं वाकई साइंटिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं। आप दोनों की जो ऑब्जर्वेशन की सेंसेस बड़ी तेज़ हैं, लेकिन एक मामले में ये इतने ज़हीन हैं ठाकुर साहब। हूँ जो बंदा जानबूझ के धोखा खाए उदा की करिए, मतलब पैसे के मामले में या तो उनको परवाह ही नहीं, सच्ची बातें होती है, अल्लाह इन पे मेहरबान भी बहुत है, कुछ धोखे जानबूझ के समझते हुए भी इन्होंने खाए हैं, वो इन्होंने पता नहीं क्यों लोगों पे इत्तेबार। 100% पता होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी हेल्प क्यों कर रहे होते हैं सर? जब हम जानवर कुर्बान करते हैं, वाह, अल्लाह के पास ना उसका गोश्त जाता है ना उसका खून जाता है, आपका तो फिर उस पर कुर्बान क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी नीयत जाती है। वाह। लेकिन सर हम जैसे हमारी कोई फील्ड की लड़की किसी दोस्त से
कॉल करती कि मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, वो कहता है अकाउंट नंबर दो अभी ट्रांसफर करता हूँ। हम अपने किसी दोस्त 10,000 रुपये उधार मांगते हैं, कह रहे फोन रख जनाजे में आया वो, हमारे साथ ही होता है। ठाकुर साहब सबकी हेल्प करते हैं, आप इन्हें कॉल कर लिया करें। आप मुझे फोन किया करें। छोटे छोटे सवाल करते हैं नईमा साहिबा, आपसे कोई एडवेंचर करने का शौक हो? स्काई डाइविंग कोई एक तब्दीली जो पाकिस्तानी कॉम में देखना चाहती हैं? नॉन जजमेंट एटीट्यूड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपनी कोई आदत जिसे बदलना चाहती हैं? नॉट गेटिंग सो मच अटैच्ड। ओके, कोई एक काम जिसे किए बगैर घर से नहीं निकलती? आई जस्ट रिसाइट आयतुल कुर्सी फॉर सेफ्टी। वाह वाह, बेहतरीन चीज। कोई किताब जो आप चाहती हो कि सब पढ़े? जावेदनामा। डॉक्टर साहब इजाजत, अपने बारे में कोई अफवाह जिसे सुनकर परेशानी से ज्यादा खुशी महसूस होती हो? कि भाई बहुत आसान था। ठाकुर साहब का कॉमेडी का स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये लफ्जों की कॉमेडी नहीं करते, ये अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज की कॉमेडी करते। कोई ऐसी डिश ठाकुर साहब जिससे आपका कभी भी दिल नहीं भरता? चने की दाल गोश्त। चने की दाल। कभी बैरून मुल्क परफॉर्म करने जाए और रास्ते में याद आए कि परफॉर्मेंस वाला सूट तो घर ही भूल आया? नो, अपने कपड़े भूल जाऊं तो भूल जाऊं, प्रॉप्स नहीं भूलूंगा। वेरी पुचेंगे। हाँ जी, वो मेरा वेला साहब, अल्लाह आपके वाले साहब को आला जन्नत में होंगे वो। आमीन इंशाल्लाह। मुझे वो कहते थे, मैंने कहा ओ पुत्र ए जड़े तू कपड़े पाना है जो प्रॉप्स तू पूरी करना है, 40 नंबर ते तू अंदर वड़दे है लेना है ते 33 वाला पास है। वाह 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 वाह। सर, इन साथी फनकारों के बारे में कोई एक बात या मशवरा या कोई जुगत जहन में आ जाए? अकरम उदास साहब ने शेरों पर लाई। सोहेल अहमद साहब जो हैं वो मेरे लिए तो बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो 1122 हैं सर। जब भी फ़ोन करो ना जी, अगो तुझे कहो ना अस्सलाम वालेकुम, कभी इन्होंने क्या वालेकुम सलाम, उन्होंने कहना वो आया कि कमाल बात है सर ये। He's always there. सर कैसे पिया साहब? कैसर पिया टॉकटिव है, बहुत बोले जाएगा। उन्हें पता भी ये 6 गल्ला मेरियां लग रही। नसीम विक्की साहब जो है ना जी, वो 5 सिमों वाला मोबाइल है। हाँ हाँ, नासिर चिन्योटी साहब अब रप्ट हैं सर, खड़े खड़े कुछ भी कर सकते हैं। उनसे खतरा रहेगा के पिछों जुगत करेगा, ठुड्डा मारेगा, चौके फरा कर देगा, की करेगा, उदा कुछ नहीं पता सर। जफरी खान साहब बॉडी मैनरेज, बॉडी मैनरेज, वेरी गुड। हनी अलबेला साहब पापा का छोटा रूप है। अच्छा, अपने पापा का बिल्कुल। अलबेला साहब अब साशे में भी दस्तयाब है। बिल्कुल दस्तयाब, क्योंकि आवाज़ जब मुझे आती है ना कम से कम, मैं तो रिलैक्स हो जाता हूँ कि अलबेला साहब आज भी जिंदा है। वाह वाह। सलीम अलबेला साहब, सलीम अलबेला साहब शुरू से ही जो है ना छड़े वाली बंदूक है। सखावत नाज साहब कैसर पिया। अच्छा ओके, ठीक हो। कोई अमान साहब की कोई जुगत ऐसी जो आपके जहन में नक्श हो गई हो? अमानुल्लाह साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उनसे उन्होंने कहा कि यारे सुहेल साहब तेरा बड़ा प्यार करते हैं, जो तू नहीं सी मिले उदो भी सुहेल साहब के मुँह तेरिया बड़िया गल्ला सुनते सन। सुहेल वर्गे फनकार ना सर्दियों पैदा होंगे ने पुत्र, तेरे वर्गे हर सर्दियों। बहुत सारी तालियां। सर थैंक यू वेरी वेरी वेलकम। सर थैंक आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। खुदा का वास्ता है, हंसीए बस कर दीजिए तनकीद करना और बाल की खाल उतारना। अपना खास ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर।